अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक समय पर पहुंच सके। रायबरेली के थाना महाराजगंज क्षेत्र के मऊ स्थित शारदा सहायक की बड़ी नहर में राजापुर कैरावा के पास बीचोंबीच नहर में बृहस्पतिवार की सुबह ग्रामीणों ने एक चार पहिया वाहन अज्ञात अवस्था में देखा था, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने शव होने की आशंका जताई थी। आपको बता दें कि पुलिस टीम और स्थानीय लोगों के दो दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आज शुक्रवार लगभग 4 बजे क्रेन के द्वारा नहर के बालू में धंसी नीले कलर की होंडा सिटी DL4C जिसका नंबर स्पष्ट नहीं था, मऊ स्थित बड़ी नहर में राजापुर कड़ावा के पास से बाहर निकाली गई। इस दौरान क्षेत्र से देखने आए हुए लोगों का हुजूम लगा हुआ था। गाड़ी का नंबर स्पष्ट न होने से यह पता नहीं लगाया जा सका कि गाड़ी किसकी है और नहर में क्यों फेंकी गई। नंबर प्लेट पर DL4C स्पष्ट होने के कारण उपस्थित लोगों में सिर्फ यही फुसफुसाहट थी कि होंडा सिटी गाड़ी का नंबर दिल्ली का है। वहीं लोगों द्वारा यह कयास लगाया जा रहा था कि गाड़ी चोरी की रही होगी और पकड़े जाने के डर से चोरों ने नहर के बहते पानी में गाड़ी को धकेल दिया होगा। जबकि लोगों द्वारा गाड़ी के अंदर शव होने के लगाए जा रहे थे कयास तथ्यहीन निकले। गाड़ी में से कोई भी ऐसे तथ्य बरामद नहीं हुआ जिससे उसमें किसी के होने के बाद मरने की आशंका जताई जा सके। आइए देखते हैं रायबरेली से हमारे संवाददाता रजनीकांत अवस्थी की यह रिपोर्ट। हट्टी तो होती लगता है अब तुम्हें भी बेचना करोगे इस गाड़ी का। न्यूज रिपोर्टर है ना? हाँ सही में। हाँ क्या नाम भाई? न्यूज का। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।